आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। मम्मी मार डालेंगी आज। ना कोई टैक्सी दिख रही है ना कोई बस। हाथ से पार्टी वाटी बंद। हाँ मम्मा, मम्मा अभी तो यहीं पे बस स्टैंड पे हूँ, मिली नहीं बस अभी तक। आई डोंट थिंक अब मिलने भी वाली है। बट मम्मा डोंट वरी, मैं टैक्सी लेके आ जाऊंगी। मम्मा बस आ गई। होल्ड करो होल्ड करो, बस आ गई। आप फालतू में टेंशन लेते हो। आपने भी ना मुझे डरा दिया। कहाँ की टिकट काटूं? कहाँ जा रही है ये बस? बस तो लई दूर जा रही है। आपको कहाँ जाना है? बोरेवड़ी की टिकट दे दीजिए। पैसे बाद में दे देना। बैठ जाओ। कैसे आ गई? ये कौन सी जगह है? बस के लोग कहाँ चले गए सब के सब? ये बस को क्या हो गया? Oh my God, कोई है क्या यहाँ पे? बस तो खत्म ही नहीं हो रही। ये बस तो खाई में है। सुनो, मेरा एक अधूरा काम पूरा कर दोगी? अधूरा काम पूरा कर दे मेरा। मेरे पापा की इच्छा पूरी कर दो। किसी की बात मत सुनना प्लीज। मेरा एक अधूरा काम पूरा कर देना। Relax, dude. But you know what? I totally agree. I mean, प्रिंसी की शक्ल देखी थी, इतना खुश था जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा साइंटिफिक प्रोजेक्ट डिस्कवर कर लिया। अपना प्रोजेक्ट किसी डिस्कवरी से कम थोड़ी ना। और जानती हो तुम, इससे एनवायरनमेंट को कितना फायदा होगा? अरे एनवायरनमेंट की छोड़, हमें कितना फायदा होगा यार इससे। अब देखना, कंपनीज की तो लाइन लगेगी लाइन अपने प्लेसमेंट के टाइम पे। हम लोग वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। वाह वाह वाह। हाँ बच्चों, जमीन पे आ जाओ। अभी तक सिर्फ प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, समझे? अरे यार तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? मैं जहाँ पे भी जाऊंगा ना, हर जगह तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। प्लीज, कॉलेज के बाद तुम्हारे टच में रहूंगी। फॉरगेट इट। अरे यार ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? हाँ फिर से शुरू हो गए दोनों। अरे क्या हुआ? ये नोटिस बुक क्या है? हेड क्यों है? चलो जाके देखते हैं। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। चलिए। ये तो मोनिका, अपने जूनियर बैच वाली। यस, राइट। 3 दिन पहले ही तो मुझसे मिली थी। कोई नोट्स चाहिए थे इससे। आर्या, I hope she's fine. अरे यार तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? फैमिली के साथ झगड़ा करके कहीं चली गई होगी, ऐसा होता है कि नहीं? एक काम करते हैं, जाके अपना प्रोजेक्ट फिर से चेकआउट करते हैं। Let's go. Yeah. चलिए मैडम, चलिए। Mind blowing, superb, fantastic. अरे जरा देखो तो सही, है ना कमाल की चीज? लो, हम आ गए उस जगह जहाँ हमारा मास्टरपीस रखा गया। Guys, we are here. Yes. You know what? हमने सोचा भी नहीं था कि हम चारों मिलके कोई ऐसी चीज बना देंगे जो अपने आप में एक अजूबा होगा। यार कौन बिलीव करेगा कि 4 स्टूडेंट्स कबाड़ी खाने से मटेरियल जोड़-जोड़ के ऐसे बिल्कुल सेम बस बनाएंगे यार। रीडू, और वो भी जो सिर्फ बायोगैस पे चलती है। बिल्कुल, डीजल खत्म हो जाए तो भी बस चलती रहेगी। यही तो इसकी यूनिक बात है। बट आई फील गाइस कि हमने इसे कॉलेज को देकर ना बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट प्रिंसिपल जो ले जाएगा। अरे यार गैरी, अब वो सब क्यों सोचना? चाबी प्रिंसी को दे दी तो दे दी। नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट यार। करेक्ट। और आई थिंक हम लोगों को तो अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि हम लोगों ने कोई ऐसी चीज इन्वेंट की है। चलो गाइस, इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। ये हुई ना बात? Yes, let's take a selfie. चलो, guys. Geniuses. Yes, come on guys, let's go. We are. सनी, तुम भी ना। अरे क्या यार? अरे यार सनी, थोड़ा फास्ट चला ना। रात के 11:30 बज गए। अगर फिर से लेट हो गया तो वार्डन मेरा सीरियसली मर्डर कर देगी। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूँ ना। अरे आना, अरे ये बस तो बिल्कुल अपने प्रोजेक्ट वाली बस की तरह लग रही है ना। ओए ओए ओए, ये हमारी बस जैसी नहीं है, हमारी ही बस है। वो तेरी, अरे ये अपनी प्रोजेक्ट वाली बस कॉलेज के बाहर क्या कर रही है? अरे तू एक काम कर, गैरी को फोन लगा जल्दी। हेलो गैरी सुन, हमारी बस कॉलेज के बाहर क्या कर रही है? What do you mean? Of course I'm sure. अरे हमारे सामने ही चल रही है यार। ये काजूपाड़ा बस स्टॉप के पास। लेकिन गैरी मेरे, हेलो गैरी, क्या हुआ? Stupid, नींद में था और फोन कट कर दिया। कोई है ही नहीं। कोई नहीं है मतलब? गाड़ी कौन चला रहा होगा? लगता है चुप रहा हो। अभी देख के आता हूं। सनी! अभी वाट लगा देता हूं उसकी। कौन हो तुम लोग? जवाब दो, कौन हो तुम लोग और हमारे बस में क्या कर रहे हो? अरे मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, जवाब दो। मैडम, कहां की टिकट काटूं? भाई साहब, ये सब नाटक बाजू में रखिए। ये बस हमारी है। पहले बताओ ये बस जा कहां रही है? बस तो बहुत दूर जा रही है, तुम्हें कहां जाना है? देखो, ये सब नाटक बाजू में रखो, ठीक है? एक एक करके सभी। सनी, दादा एक काम कीजिए, हमें लास्ट स्टॉप की टिकट दे दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? वैसे बाद में दे देना, बैठ जाओ। सनी कहाँ है हम ये? और सब लोग कहाँ चले गए? ये अपने बस को क्या हो गया? ये सब क्या हो गया अपने बस को? कहाँ में कैसे आ गया? सनी मुझे यहाँ से लेके चलो, प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो। तुम फिक्र मत करो, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। सनी, ये बस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सनी मुझे यहाँ से लेके चलो, प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो। ओह गॉड, सनी कहाँ हो तुम? सनी कहाँ हो तुम? सनी प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो। सनी मेरा काम कर दोगे? मेरी इच्छा पूरी करो। मेरे पापा की इच्छा पूरी कर दो। नहीं, नहीं, प्लीज, प्लीज, प्लीज। Yes? किससे मिलना है आपको? बोलिए, क्या काम है? सॉरी जान, आने में बहुत देर होगी, मगर अब फिर कभी देर नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। Excuse me? ये क्या कह रहे हो आप? कौन हो आप? मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा सूरज। क्या कर रहे हो तुम ये? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? रोशनी, इतने सालों बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दीपक! ये तुम किसे बुला रही हो? दीपक! किसे आवाज दे रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ रोशनी? दीपक, देखो ये आदमी कौन है? जबरदस्ती घर में घुसा है। ए, कौन है तू? रोशनी, कौन है ये आदमी और ये हमारे घर में क्या कर रहा है? ये मेरे पति है, तुम्हें इसे क्या लेना देना? और ये हमारा घर है, तुम्हारा नहीं। तेरी तो निकल। रोशनी, कहाँ हो तुम रोशनी? मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। चलो मेरे साथ रोशनी, हम हमेशा साथ में रहेंगे रोशनी। ले जाने के लिए आया है वो रोशनी। चलो मेरे साथ रोशनी। मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब तुम सिर्फ मेरी हो। मेरा घर कहाँ गया? 5 दिन का टाइम देता हूं तुझे। अगर 5 दिन के अंदर मेरा पैसा वापस नहीं किया ना तो तुझे और तेरी बेटी को इस घर से उठाकर फेंक दूंगा, समझा? चलो। नहीं, मैं अपने इस घर को बिकने नहीं दूंगा। अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। हाँ मैडम, किससे मिलना आपको? मेरा घर था ना यहाँ। कहाँ गया मेरा घर? आपको क्या हो गया मैडम? वो कौन सा घर? किसका घर? अरे मैडम, यहाँ कोई घर वर नहीं था। और ये आपकी आवाज को क्या हो गया? ये मर्दों की तरह कैसे बोल रही हैं आप? हाँ, आप जाइए यहाँ से। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मेरा घर कहाँ है? वो घर तो बहुत पहले तोड़ दिया और वहाँ नई बिल्डिंग बन गई। अगर ये घर मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो पाएगा। कैसे आ गया? हम तो बस में थे। अरे है ना कहाँ चली गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं। क्या 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 करूं? गैरी को फोन करता हूं। कटी हुई उंगली मेरे जेब में कैसे आ गई? मैं किसी का खून नहीं कर सकता, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। ये मैंने नहीं किया, नहीं किया मैंने। ये सब उस बस की वजह से, सब उस बस की वजह से हो रही है। नहीं छोड़ूंगा उस बस को, नहीं छोड़ूंगा। गराज, मुझे गराज में जाना होगा, गराज में जाना। ये बस तो यहाँ खड़ी है, तो फिर कलाना ये क्यों कह रही थी कि उसने ये बस काजूपाड़ा के पास में देखी? पता नहीं यार, और दोनों का कुछ अता पता भी नहीं चल रहा है। ये बस यहाँ पे कैसे? कल रात तो ये बस काजूपाड़ा के पास चल रही थी। बहुत झूठ बोलता है सनी यार। अरे भाई, मेरी बातों का भरोसा कर यार। यही बस थी, और उसके बाद हम बस के अंदर चढ़े भी थे। बस के अंदर कुछ अजीब से लोग बैठे हुए थे और हमसे कुछ काम करने को कह रहे थे। और उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मेरे हाथ में एक कटी हुई उंगली थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा यार। यार, मैं तुम दोनों से कह रहा हूं, तुम्हें कुछ फर्क भी पड़ रहा है कि नहीं? यार जवाब तो दो। गैरी, मीशा, हम ऐसा करते हैं, कॉलेज में जाके देखते हैं, क्या पता दोनों वहां हो। अरे दोनों वहां हो मतलब क्या यार? मैं तेरे सामने खड़ा हूं यार। यार तू ठीक कह रहा है, चल। गैरी, मिशा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? सनी, ये बस ही हमारी दुनिया है। तुम भी हमारे साथ आ जाओ। यार गैरी, मैं सुबह से लोगों का नंबर ट्राई कर रही हूँ, पर नंबर डू नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या बात कर रही हो यार? कल रात को तो उससे हमारी बात हुई है और वो कह रहा था उसने हमारी बस सड़क पर चलती हुई देखी, जबकि बस तो यहाँ गैरेज में वैसे की वैसी खड़ी है। यार गैरी, कि वो हम लोगों के साथ मजाक तो नहीं करे? आई मीन कम ऑन, कहाँ जाएंगे? आएंगे तो कॉलेज में ही ना। लेट्स डू वन थिंग, यहीं पे रुक के उनका वेट करते हैं। क्यों ना उन दोनों के घर पे कॉल करें? नहीं यार, अंकल आंटी को परेशान नहीं करते, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? कल रात को उनका कहाँ से फोन आया था? काजूपाड़ा के पास कोई बस स्टैंड था, वहीं जहाँ पे उसने हमारी बस देखी थी लास्ट, वहीं से कॉल आया था। गैरी, रुको रुको, काजूपाड़ा बस स्टॉप, इसी के पास से फोन आया था उन लोगों का। लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा यार, किससे पता करे कहाँ गए होंगे दोनों? यार गैरी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। गैरी, गैरी क्या हुआ? बस इसका मतलब सनी सच बोल रहा था। पर गैरी बस पे तो कोई भी नहीं है। ये तो इसके अंदर जाके ही पता चलेगा। तुम यहाँ पे? थैंक यू फिर से हमारी बस बनाने के लिए। गाइस बायोगैस बस बनाने का जो प्रोजेक्ट मिला है उसके लिए एक्सीडेंटल बस के लगभग सारे पार्ट्स मिल चुके। ग्रेट। अब हमें बस बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स ग्रेट। सो कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट। चलो काम पे लग जाते हैं। चलो। सो मच मेरी बस बनाने के लिए। अब मैं इसे फिर से चलाऊंगा। निशा, निशा क्या हुआ? अभी यहाँ पे एक आदमी था, वो कह रहा था थैंक यू मेरी बस बनाने के लिए। क्या बात कर रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे तुम्हारी बस नहीं है, हमारी बस है। रोक इसे, मैं कहता हूँ रोक अभी के अभी और उतर यहाँ से। रो किसे, मैं क्या रो? गैरी है ना, सनी तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ढूंढ के तक गए तुम लोगों को। भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या कर रहे थे यहाँ पर? कौन है ये लोग? सनी बोल यार, कुछ तो बोल। तो तुम लोग यहाँ पे आए कैसे? है ना कुछ तो बोल, इतना चुप क्यों बैठा है यार? ढूंढते तक गए हम यार, है ना। मिशा, इस बस को क्या हो गया? हम अचानक यहाँ कैसे आ गए? Oh my God, सब कहाँ गायब हो गए? ये बस खाली कैसे हो गई? है ना सनी, ये सब कहाँ है? मिशा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये बस तो खाई में है। खाई में? नहीं गैरी, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आगे देखते हैं। गैरी, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब हम इस बस से बाहर नहीं निकल सकते। सही कहा तुम दोनों ने। अब कभी भी इस बस से बाहर नहीं निकल सकते। हमारी तरह ये तुम दोनों को क्या हो गया? हम मर चुके हैं। सनी प्लीज यार बचा ले यार, हम तो तेरे दोस्त हैं ना। प्लीज यार बचा ले, प्लीज यार बचा। हम लोग बदला नहीं चाहते, प्लीज प्लीज हमें बचा लो। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बनाई हुई बस, ये हमारी बनाई हुई बस ऐसे कैसे हो गई? ये बस कभी हमारी थी ही नहीं। बस में बैठे हर एक आदमी की कोई ना कोई आखिरी इच्छा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। कोई सालों बाद अपनी बीवी से मिलने आ रहा था तो कोई अपने घर को बिकने से बचाने आ रहा था। अरे ठीक है। हेलो, हाँ रोशनी। हाँ बाबा, बस मिल गई है मुझे, टेंशन मत लो। हाँ आ जाऊंगा मैं। अच्छा सुनो, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है? चलो बाय। देखना बेटा, मैं इन सारे पैसों को उन गंदे वाले अंकल को दे दूंगा, फिर वो दोबारा हमारे घर कभी वापस नहीं आएंगे, है ना? ओके पापा, थैंक ये बस कहाँ तक जाएगी? बस तो बहुत दूर तक जाएगी, तुमको कहाँ जाने का है? अभी बताता हूँ। बना काम करने तो उड़ा दूंगा अभी तेरे को भी। कोई शरारती नहीं करने का ठोका लूंगा। चल चल, कंगा नहीं का। ले ना ले, अरे बैग ले उससे। इसमें निकाल, ये निकाल ये ठोका लूंगा। और सब मर गए। तुम दोनों हमारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आए हो। अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं की तो मरोगे, अगर इच्छा पूरी भी कर दी तब भी मरोगे। हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारी इच्छा पूरी कर दो। रुक जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.